थिन थ्री सिस्टम में आपका स्वागत है। हरीश चौधरी के बयान ने पूर्व सैनिकों को दंडे करने पर मजबूर कर दिया। उनका कहना है कि भूतपूर्व सैनिकों को अलग से आरक्षण दिया जाए, ओबीसी वर्ग में नहीं दिया जाए। आओ जानते हैं इन्हीं से कि इनको आरक्षण में अगर विभाजन होता है तो क्या क्या परेशानी आती है और हरीश चौधरी के बयान पे क्या कहते हैं। अगर अलग कर दिया जाता है जैसा कि हरीश जी की मांग है, इससे क्या होगा कि जो आरक्षण हमें प्राप्त है, उदाहरण के तौर पर राज्यसभा में 5% आरक्षण है, अब 5% वाली जो भी पोस्टें हैं वो बहुत ही कम उसके अंदर जो है हमारे हिस्से में आते हैं पूर्व सैनिकों के, और फिर 5% में से जो हिस्सा मिला और उसमें अलग अलग वर्ग में जा कर के जैसा उनकी डिमांड है वो करना शुरू कर दिया गया, तो कुछ एक वर्ग की तो संख्या इतनी कम है कि उनके हिस्से में तो एक भी पद नहीं आएगा। और यहाँ पे उनका ये जो कुदृष्टि है विशेष तौर पे इन्हीं 5% पदों के ऊपर है। आज तक इन्होंने कभी भी 12.5% और 15% जो पिछले 34 सालों से आरक्षण मिलता आ रहा है उसके लिए कभी मांग नहीं उठाई इन्होंने। दूसरा, वो जो 12.5% और 15% है, टोटल 27.5% के पेटे मात्र 2% पूर्व सैनिक आज सेवाओं के अंदर हैं, उसके लिए कभी इन्होंने मांग नहीं उठाई, क्योंकि उसके अंदर इनको ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा है। ये तो जो मोटी कमाई वाली जो पोस्टें हैं या जिनके ऊपर ज़्यादा उच्च सैलरी आप कह सकते हो उनके ऊपर फोकस है, ये चाहते हैं कि वो सारा का सारा मेरे वर्ग को मिल जाए, क्योंकि इनके वर्ग की संख्या ज़्यादा है। वैसे भी पता नहीं, शायद इनकी गणना करने में कहीं इनकी गलती हुई है कि जो वर्तमान सिस्टम चल रहा है हमें आरक्षण देने का, उसमें दोनों जगह सबसे ज़्यादा बेनिफिट इनकी वर्ग को मिल रहा है। आज तक किसी दूसरे वर्ग ने तो उसके लिए कभी भी उंगली नहीं उठाया। नॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस में भी सबसे ज़्यादा हिस्सा इनका है, और जो पूर्व सैनिक पेटे से जो अलग से मेरिट बन रही है उसके अंदर भी मैक्सिमम संख्या हमारे ओबीसी पूर्व सैनिक भाइयों की है। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके आप हमारा तो नुकसान करने के लिए आगे निकल पड़े हो, लेकिन अपने ही वर्ग के उन पूर्व सैनिक भाइयों को हताश ना करें। हरीश चौधरी ने ऐसा क्यों किया कि इतने दिनों बाद कि अब आरक्षण में पूर्व सैनिकों को विभाजन किया जाए? अब देखिए साहब, ये चीज़ तो अगर उन्हीं से पूछा जाए तो बेहतर होगा। वैसे जैसे समाचार पत्रों के अंदर आ रहा है कि पिछले कुछ समय के अंदर पंजाब के चुनाव हुए थे तो इनको वहाँ का प्रभारी बनाया गया, और एक आदमी पास है 2 पद नहीं हो सकते हैं, इस वजह से इनको मंत्री पद यहाँ छोड़ना पड़ा। इनका दुर्भाग्य रहा कि पंजाब के अंदर भी अपनी पार्टी को जो है सितारे नहीं लगवा सके, और आज इनकी वापस नज़र जो है मंत्री पद पर है। ऐसा अखबारों की न्यूज है कि मुख्यमंत्री को टारगेट करके दबाव बना करके मंत्री पद लेना चाह रहे हैं, और दूसरा इनका ये भी एक हो सकता है कि मंत्री पद मिल गया तो भी भला, ना मिला तो कम से कम किसी एक वर्ग का मसीहा बनने का तमगा तो मुझे मिल ही जाएगा। ऐसे अगर विभाजन अगर सरकार विभाजन पर विचार करती है या कुछ करती है तो फिर आपका इसमें क्या रहेगा, यानी से पूर्व सैनिकों का? नहीं, हम सरकार को समझाने की कोशिश करेंगे, और हमें भरोसा है सरकार पे। सभी लोग इस प्रकार की मानसिक संकीर्णता के लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे उदार मना लोग भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। अकेले एक यही सरकार को कंट्रोल करके दबाव बना करके निर्णय नहीं करवा सकते हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री महोदय को भी कि उन्होंने इस विषय के ऊपर अभी पिछली 10 तारीख को अलग अलग ग्रुपों के अंदर पूर्व सैनिक अधिकारी वर्ग को 2 से बुला के उसे मंत्रणा करी है, उनका पक्ष सुना है, और हमें सकारात्मक वहाँ से संकेत मिला है कि पूर्व सैनिकों के हितों के ऊपर कुठाराघात नहीं करने दिया जाएगा। तो आज ये एक दिन का धरना रखा है या ये आगे भी रहेगा जारी है? इसको हम धरना नहीं कह सकते हैं, ये तमाम स्टेट के जो पूर्व सैनिक हैं अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, आज यहाँ बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं, और किस प्रकार से सरकार के समक्ष हमारा पक्ष हम रखें मजबूती के साथ में, उस पे विचार विमर्श करके एक राय हो करके और आगे क्या कार्रवाई करेंगे। अभी एक दिन का ये सांकेतिक, आज सिर्फ आज ही के दिन का है, क्योंकि हमें भरोसा है, हमें हर सरकार पे भरोसा है, क्योंकि हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ बंधे हुए नहीं हैं, सारी पार्टियां हमारे लिए अच्छी हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि जैसे आज तक हमें सरकारों से सकारात्मक सम्मान मिलता रहा है, सहयोग मिलता रहा है, अभी भी मिलेगा, इसलिए हम कोई भी बड़े संघर्ष की योजना अभी तक नहीं बना। अगर विभाजन होता है तो कितने पूर्व सैनिकों को यानी इससे नुकसान होगा? नुकसान तो उतना ही हो पाएगा जितना कि हमारे आरक्षण के दायरे के अंदर है, उससे ज़्यादा तो हमें कुछ मिलना नहीं है, ये करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, लेकिन करते हैं तो कुछ वर्ग के पूर्व सैनिकों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सुना आपने, देखा,
कैमरामैन तेजपाल के साथ गणेश यादव, थिंक 360 जयपुर।